हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी। इवत ना वो सुलभवाद बिरयानी माता। यहाँ पर मैंने लिया 3 कप बासमती राइस, अच्छे से धो के पानी में थोड़ा टाइम के लिए रखेंगे। ओके, अभी हम लोग पहले राइस बनाएंगे। तो यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रखा है। ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಕಪ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ. ಓಕೆ, ಅಭಿ ಇಸ್ಮೆ ಡಾಲಿಂಗೆ ರೈಸ್ ಅರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಹೊನೆದು. ಅದು ಇಸ್ಮೆ ಡಾಲೆಂಗೆ 1 ಚಮಚ ನಮಕ್ ಅವ್ರು ಥೋಡಾ ಸಾ ತೇಲ್. तेल डालने से राइस चिपकता नहीं है। थोड़ा कुक हो चुका है और थोड़ा होने दो। ओके, ये अभी राइस हो चुका है। इसे ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा कम भी नहीं वैसा पकाना है। यहाँ पर लिया मैंने बोनलेस चिकन, छोटे छोटे पीसेस करेंगे, अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस करके रखा है। अभी इसमें डालेंगे दही। यहाँ पे मैंने लिया 4 टेबलस्पून कर्ड। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, 1/2 टीस्पून। स्पाइसी के लिए थोड़ा सा चिल्ली पाउडर डाला है। और इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। यहाँ पर मैंने लिया सुहाना बिरयानी मसाला। टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे मैंने लिया थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी अच्छे से मिक्स करते हैं। ಈಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಮೊಸರು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ. ಯಾ ಪರ್ಲಿಯ 3 ಟಮಾಟರ್ ಇಸ್ಕ ಥೋಡಾ ಸೈಸ್ ಕಟ್ ಕರ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಕರ್ನೆಕ್ಕೆ ಲೇ ರಖೇಂಗೆ. ಥೋಡಾ ಸಾ ಪಾನಿ ಡಾಲ್ಕೆ 3 ಟೊಮೆಟೊ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡುವ. ಯಾ ಪರ್ಲಿಯ 3 ಕಾಂದ ಬಾರಿಕ್ ಕಟ್ ಕರೆಂಗೆ. और ये जो है कांदा, इसे स्लाइस करके ऊपर डेकोरेशन के लिए रखेंगे. ओके, जो टोमेटो बॉईल करने के लिए रखा था वो हो चुका है. अभी इसका स्किन निकल के इसे भी बारीक कट करेंगे. ಬೇಯಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿಡುವ. ಸಬ್ ಕುಚ್ ಕಟ್ ಕರ್ಕೆ ರಖಾ ಹೈ, अनियन, टोमेटोस और ये जो स्लाइस किया हुआ, और ये कैशू नट्स डेकोरेशन के लिए, ये थोड़ा सा चिल्लीस. ओके, अभी शुरू करते हैं. यहाँ पे लिया एक कढ़ाई. कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे. जो स्लाइस किया हुआ कांदा उसे फ्राई करेंगे. स्लाइस ಮಾಡಿದ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ ಈಗ.
और इसमें डालेंगे कैश्यू नट्स भी, दोनों साथ में फ्राई करेंगे। ओके, ये अभी ब्राउन हो चुका है, निकाल देते हैं। वही तेल में अभी डालेंगे तेजपत्ता, इलायची और लवंग। और इसमें डालेंगे जो बारीक कट किया हुआ कांदा। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अभी थोड़ा कुक हो गया है, अभी इसमें डालेंगे बारीक कट किया हुआ टोमेटोस। अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। हल्दी डालने से फटाफट कुक हो जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा सुहाना बिरयानी मसाला डालेंगे। कौन सा भी बिरयानी मसाला यूज कर सकते हैं। अभी इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। यहाँ पर डाला थोड़ा सा चिल्ली पाउडर। और थोड़ा सा चिल्लीस भी डाला है, अगर आपको चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के कुक होने के लिए रखेंगे। लिड लगा के कुक होने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये चिकन कुक हो चुका है अभी। इसे भी अभी साइड में रख देते हैं। यहाँ पर एक बोल में 1 टेबलस्पून बॉइल्ड मिल्क लिया है, उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल के 1 टेबलस्पून राइस डाल के ऐसा मिक्स करेंगे। सिर्फ डेकोरेशन के लिए चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर का बना के रखा है। चिकन भी रेडी हो चुका है, अभी हम लोग सब कुछ मिक्स करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चिकन और इसके ऊपर थोड़ा सा राइस और जो फ्राइड किया हुआ वो भी डालेंगे, अनियन। एक एक लेयर डालते जाएंगे। अभी फ्राइड अनियन डाला है, अभी उसके ऊपर थोड़ा सा राइस डालेंगे। वैसे ही सेकेंड लेयर भी डालेंगे चिकन। उसके ऊपर राइस डाला है। यहाँ पर डेकोरेशन करेंगे, जो कलर किया हुआ राइस डालेंगे।
फ्राइड अनियन कैश्यू नट्स वो भी डालेंगे। कोरिएंडर लीव्स, इसे ढककर थोड़ा देर के लिए गैस के ऊपर रखेंगे। अभी हम लोग बनाएंगे रायता। यहाँ पर लिया थोड़ा सा कर्ड, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, यहाँ पर ग्रीन चिल्लीस भी डाल सकते हैं, अनियन, टोमेटोस भी डाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने नहीं डाला है। अच्छे से मिक्स करते हैं। ये अभी हो चुका है, रायता भी रेडी है। अभी इसे सर्व करते हैं। आप भी ट्राई करो, ये बिरयानी बहुत ही इजी है बनाने में। सुपर आद बिरयानी रेडी आगे, नहीं कूड़ा ट्राई माड़ी। ओके फ्रेंड्स, ऐ होप यू आल एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।